और अभी आने वाले टाइम में सर्दियां भी पड़ने वाली हैं और सर्दियों में सबसे पहले गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके एक पैन रख लें और इसमें डाल दें दो कप पानी और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच चाय पत्ती आप जो भी चाय पत्ती आई मीन चाय बनाने के लिए जो भी चाय पत्ती यूज करते हैं आप वही चाय पत्ती इसमें ऐड कर लें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी एक चम्मच आप इसमें ग्रीन टी ऐड करें इसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच मेथी दाना और साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच कलौजी के सीड्स अगर आपके पास कलौजी के सीड्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आप इसमें जरूर ऐड करें अगर नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं अब इसे तीन से चार मिनट तक इसी तरह से उबलने दें जैसे ही चार मिनट हो जाते हैं गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें इसके बाद एक बोल में हिना ले लेंगे मैं यहाँ नुपुर हिना यूज़ कर रही हूँ बट आपको अगर किसी और ब्रांड की हिना पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिना हेयर मास्क मैं दो महीने में एक बार अपने बालों पर जरूर अप्लाई करती हूँ तो ये आधा पैकेट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी ये आधा पैकेट बचा था तो अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ इसके बाद चाय पत्ती मेथी दाना और कलौजी का जो पानी हमने अभी तैयार किया है इसे छान कर हिना में ऐड करेंगे और एक साथ सारा पानी ऐड ना करें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से हिना के साथ मिक्स कर लें फिर दोबारा थोड़ा पानी ऐड करें और दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से होती है और साथ ही लम्ब्स भी बहुत कम बचते हैं जैसे ही ना अच्छे से मिक्स हो जाती है इसे ढक कर पूरी रात एज इट इज़ रहने दें नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है इसमें ऐड करना है एक एग अगर आप अपने बालों पर एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं और साथ ही आपको इसमें ऐड करनी है दही तो आप इसमें दो या तीन चम्मच दही ऐड करें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं तो आप जो भी तेल इस्तेमाल कर रही हैं आपको दो चम्मच इसमें ऐड करनी है हिना लगाने के बाद बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल ड्राई हो जाते हैं बट अगर आप इसमें दही ऐड करते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं तो हिना लगाने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होंगे इसके बाद आपको सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है आपका वंडरफुल हिना हेयर मास्क एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल तैयार है हिना लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें ताकि हिना लगाने में आसानी हो और साथ ही अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ लाल ना हों अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप जो पॉलीथिन के बैग्स होते हैं ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिना आपको अपने पूरे बालों पर किस तरह से अच्छे से अप्लाई करनी है इससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं तो अपने पूरे बालों पर हिना को अच्छे से अप्लाई कर लें अप्लाई करने के बाद जब तक ये थोड़ी ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपको इसे अपने बालों पर लगा करके रखना है इसमें आपकी चार से पाँच घंटे लग सकते हैं बट अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ढाई से तीन घंटों तक आपको इसे अपने बालों पर लगा करके रखना है और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करने हैं मतलब आपको कोई शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है सिर्फ पानी से ही अपने बाल धोने हैं इसके बाद अपने बालों को अच्छे से सूखने दें जैसे आपके बाल पूरी तरह से सूख जाते हैं आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है तेल आप अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे ऑयल्स को मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आपको कोकोनट ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए बट अगर आपके पास कोकोनट ऑयल भी नहीं है या मैं जो जो भी ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो भी आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं तो आप जो भी तेल इस्तेमाल कर रही हैं पहले उसे डबल बॉयलर प्रोसेस से हल्का गर्म कर लें उसके बाद उसे अपने पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लें तेल आप हिना लगाने के नेक्स्ट डे भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप सेम डे भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं आई मीन हिना लगाने के बाद अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो आपको तेल को पूरी रात अपने बालों पर लगा करके रखना है और नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करने हैं बट अगर आप पूरी रात अपने बालों पर तेल लगा करके नहीं रख सकते हैं आई I मीन mean, आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो एटलीस्ट दो से तीन घंटों तक अपने बालों पर तेल को लगा रहने दें और इसके बाद जो भी शैम्पू आप अपने बालों पर अप्लाई करते हैं आई मीन रेगुलरली जो भी शैम्पू आप अप्लाई कर रहे हैं उससे अपने बालों को धो लें और अपने बालों को शैम्पू के साथ धोने के बाद अगर आप अपने बालों पर नेचुरल कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके बालों की सुंदरता को चार छाँद लग जाएंगे और साथ ही आपके बाल बहुत ही अच्छे से कंडीशन भी होंगे तो इस कंडीशनर को बनाने के लिए आपको पानी बॉइल करना है और पानी की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो ज़्यादा पानी यूज़ करें अगर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है तो थोड़ा कम पानी यूज़ करें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना तो आप इसमें दो से तीन चम्मच मेथी दाना ऐड कर लें और अब इसे आपको दो से तीन मिनट तक अच्छे से उबलने देना है जैसे ही तीन मिनट हो जाते हैं गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें और शैम्पू लगाने के बाद जब आपके बाल पूरी तरह से क्लीन हो जाएं उसके बाद आपको इसे छानकर अपने बालों पर अप्लाई करना है और इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से बाल नहीं धोने हैं रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बाउंसी हो गए हैं मेरे बालों पर बहुत ही अच्छी शाइन आ गई है और हिना का बहुत ज़्यादा कलर मेरे बालों पर नहीं आता है क्योंकि मेरे बाल नेचुरली काले हैं और मैं हिना का इस्तेमाल अपने बालों पर कलर के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ हिना लगाने से हमारे बालों की बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग होती है इसीलिए मैं हिना अपने बालों पर दो महीने में एक बार जरूर अप्लाई करती हूँ और आज जो हिना हेयर मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसमें हमने ब्लैक टी ग्रीन टी फैन्यूग्रिक सी और कलौजी के बीज इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो बालों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए हैं क्योंकि हमने हिना में ही ऑयल ऐड किया था कर्ड ऐड की थी और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देते तो आप भी ये हिना हेयर मास्क अपने बालों पर ज़रूर इस्तेमाल करें इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बालों की बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग भी होगी आई होप यू इंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा अगर लगा सो प्लीज गिव इट अग थम्स अप एंड शेयर इट विद यर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट येट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सू इन माई नेक्स्ट वंथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर